हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती से बड़ी अपडेट आ रही है और पीजीटी के 12 विषयों का परिणाम जारी हो गया है। बचे हुए विषयों का रिजल्ट कब आने वाला है और टीजीटी का रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ जो 12 विषयों के रिजल्ट आए हैं उनकी कट ऑफ क्या गई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी जाएगी। तो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि पीजीटी के 12 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कल देर रात को रिजल्ट घोषित हो गया था और मैंने आपको रात को ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कि 17 और 18 अगस्त को जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसके 12 विषयों के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। ये 12 विषय कौन कौन से हैं? पीजीटी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान एवं संगीत वादन, यानी कि 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है और फाइनल आंसर की भी जारी हो गई है। और अब इस फाइनल आंसर की पर कोई भी आपत्ति चयन बोर्ड नहीं लेगा और इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो बहुत ही जल्द घोषित कर दी जाएंगी। खबर आ रही है कि 10 अक्टूबर के आसपास पीजीटी के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं और पीजीटी के जो बचे हुए विषय हैं उनका रिजल्ट आज देर रात या तो फिर कल घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 अक्टूबर के पहले पहले इस भर्ती को पूरा करना है, तो जो बचे हुए रिजल्ट हैं उसको भी बहुत ही जल्दी चयन बोर्ड निकाल देगा और इंटरव्यू की तैयारियों में लग जाएगा। तो रिजल्ट आपके सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। सभी 12 विषय के आंसर की हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है, तो आप यहां पर देख लीजिए, खबर पूरी दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इसमें कट ऑफ कितना गया है। तो दोस्तों, ऑफिशियली अभी कट ऑफ नहीं बताया गया है चयन बोर्ड के द्वारा, जल्दी उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ऑफिशियल जैसे ही कट ऑफ आता है मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो छात्रों से जानकारी मिल रही है कि कितने पर छात्रों का चयन हुआ है उसके आधार पर मैं आपको कुछ विषयों के कट ऑफ बता देता हूँ। बाकी विषयों की जैसे ही जानकारी हमें मिलेगी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि EWS का कट ऑफ कैसे ज़्यादा चला गया। तो EWS का लाभ अभी इस लिखित परीक्षा में नहीं दिया गया है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में होती है वहाँ पर EWS का लाभ अंतिम चयन में दिया जाता है। तो अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, EWS वाले अपने कैटेगरी में ही हैं, इसी वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई है। लेकिन अगर आप चयनित हैं और फाइनल अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर 10% का जो EWS का लाभ है वो मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और पीजीटी में जो 25 नंबर का भारांक है उसका भी एक बड़ा योगदान होगा फाइनल सिलेक्शन में। जिनके पास भी बीएड एमएड और पीएचडी वगैरह है तो टोटल यहाँ पर 25 भारांक है। तो अगर आपके पास इन कोर्सेज का सर्टिफिकेट है, आपने आवेदन करते समय ये फिल किया था, तो अगर आपके जस्ट कट ऑफ पार भी हुआ है तो भी आपका चयन हो सकता है, अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दिया और भारांक आपने ले लिया। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले कि इंग्लिश का कट ऑफ लगभग कितना गया है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कट ऑफ वाले वीडियो में कि 85 क्वेश्चन जिनका सही है उनका चयन हो सकता है और 90 पर फाइनल सेलेक्शन, बिल्कुल दोस्तों वही हो गया। और जिन छात्रों के 85 सवाल सही थे सामान्य वर्ग में बालक के मेल के, उनका चयन यहाँ पर हुआ है। और फीमेल में 80 क्वेश्चन के आसपास जिनका सही था उनका यहाँ पर नाम आ गया है लिस्ट में। वहीं बात करें मैथ्स की तो लगभग 95 क्वेश्चन जिनका सही है उनका नाम आया है सूची में सामान्य वर्ग का। एससी के कुछ छात्रों का 88 क्वेश्चन सही होने पर भी नाम आ गया है। और बात करें संस्कृत की तो 104 क्वेश्चन जिनका सही है जनरल में उनका यहां पर सिलेक्शन हुआ है। और EWS में तो छात्र बता रहे हैं कि 109 110 पर भी चयन नहीं हो पाया है, 111 वाले छात्रों का चयन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि EWS की कट ऑफ कभी कोई ज़्यादा चली जाती है क्योंकि अभी इसका लाभ नहीं दिया गया है। कला की बात करें आर्ट की तो हमेशा तक इधर इसका कट ऑफ ज़्यादा गया है और 106 107 के आसपास जिनके सवाल सही हैं उनका नाम यहाँ पर आया है।
बाकी विषयों के बारे में जैसे ही हमें जानकारी मिलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उसका कट ऑफ कितना गया है, और ऑफिशियल जब आएगा तब तो आपको जानकारी दी ही जाएगी। बात करें TGT का रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो खबर आ रही है चयन बोर्ड से कि इसी महीने के लास्ट में वो कोशिश कर रहे हैं TGT का भी रिजल्ट वो घोषित कर दें ताकि भर्ती को अक्टूबर में पूरा किया जा सके। बाकी आगे कोई और अपडेट, कोई और जानकारी मिलती है तो आपको उसकी भी सूचना दे दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।